प्रतिशोध की पराकाष्ठा है, बारूदी इंतकाम की अति है। आतंकी हमले के बाद के आक्रोश का चीखता हुआ वो नतीजा है जिसमें बेहिसाब बर्बादी, त्रासदी, खौफ है, दर्द है, मौत है, शोक है, क्योंकि हर परिधि को पार कर गाजा पट्टी में इजराइल प्रचंड प्रतिकार कर रहा है। 41 किलोमीटर के इलाके में कोने कोने में प्रचंड प्रहार हो रहा है। बित्ते भर के गाजा पट्टी में 1700 से ज्यादा जगहों पर इजरायली मार्का हथियारों ने बारूदी हस्ताक्षर किया है। गगनचुंबी इमारतें ईंट ईंट बिखरी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं। जिस तबाही से गाजा पट्टी साक्षात कर रही है उसका ड्रैगन कनेक्शन सामने आया है। जिस बारूदी चोट से मिडिल ईस्ट का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है उसमें चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या इसराइल हमास युद्ध की स्क्रिप्ट चीन ने लिखी थी? क्या यह वॉर चीन की महत्वाकांक्षा का बारूदी नतीजा है? क्या अमेरिका चीन की अदावत में मिडिल ईस्ट पिस रहा है? गाजा पट्टी की तबाही और इसराइल में बारूदी त्रासदी के बीच उठी चाइनीज साजिश के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि हर घंटे ये युद्ध भयावह होता जा रहा है। चार रोज से जारी प्रचंड पलटवार के बीच इसराइल की सेना ने दावा किया है कि उसने अब तक 1500 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया। आतंकी हमले में इसराइल के 800 लोग मारे गए हैं। अब भी हमास के कब्जे में 100 से ज्यादा इसराइली हैं, जबकि फिलिस्तीन के 700 लोगों के मारे जाने की खबर है। गाजा पट्टी में मौत की गिनती बढ़ने की आशंका इसलिए भी बेहिसाब है क्योंकि महज 365 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 21 लाख से ज्यादा की आबादी रहती है और यहाँ पर इसराइल बारूदों की अंधाधुंध बौछार कर रहा है। इसराइल के इस भीषण हमले के बाद ईरान के सबसे बड़े नेता ने कैसे तीखी प्रतिक्रिया दी है, कैसे अगला शुक्रवार भारी पड़ने वाला है ये बताएं, मगर उससे पहले जान लीजिए कि इस जंग का ड्रैगन कनेक्शन क्या है। तारीख 10 फरवरी 2023, वक्त रात करीब 8 बजे। लोग जानना चाहते थे कि जो ईरान और सऊदी कट्टर दुश्मन है जिन्हें अमेरिका भी एक साथ खड़ा नहीं कर पाया, उन दोनों के बीच चीन ने कैसे समझौता करवा दिया। इसी के बाद दो कट्टर दुश्मनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ईरान और सऊदी के बीच समझौता कराने के बाद चीन ने लगातार यह संदेश दिया कि मिडिल ईस्ट में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो उसने कर दिखाया। अमेरिका मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना चाहता था, इसके लिए उसने सऊदी और इसराइल को फोकस में रखा। जुलाई का आखिरी हफ्ता था, तारीख 26 थी। अमेरिकी एनएसए जैक सलीवन अचानक सऊदी अरब पहुंची। रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के साथ जैक सलीवन ने मुलाकात की। दोनों के बीच 4 राउंड की बातचीत हुई। इस मीटिंग में सऊदी के तमाम टॉप अफसर भी मौजूद थे। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक इस मीटिंग का सिर्फ एक एजेंडा था कि सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल किया जाए। इसके बाद व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान आया जिसमें कहा गया, हम चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल को मान्यता दे, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी यही बात कह चुके हैं, इसराइल के लिए सऊदी और सऊदी के लिए इसराइल अब जरूरी हो चुके हैं। अगस्त में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आने लगी कि अमेरिका सऊदी अरब और इसराइल में समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है, और फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता बीतते बीतते हमास ने वो हिमाकत कर दी जिससे अब मिडिल ईस्ट का कोना कोना कांप रहा है। गली गली में मृत्यु तांडव हो रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि मध्य पूर्व में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है उसके पीछे चीन और अमेरिका की महत्वाकांक्षा है। अमेरिका और इसराइल बार बार दावा कर रहा है कि इसराइल पर आतंकी हमले के पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन ईरान इससे इनकार कर रहा है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता
आयतुल्ला अली खामेनेई ने हमास के उन आतंकियों की तारीफ की जिन्होंने इसराइल पर हमला किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यहूदी शासन पर हमले की योजना बनाई, हम उनके हाथ चूमते हैं। जो लोग ईरान को इसराइल पर हमास के हमले से जोड़ते हैं, वो गलत है। इसराइल पर हमले से भले ही ईरान इनकार कर रहा, मगर इसराइल के टारगेट पर वो देश जो हमास को ऑक्सीजन देते हैं। इस बीच आतंकियों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा लेने वाले इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फोन किया। उन्होंने इसराइल में हमास के हमले के बाद बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री को अपडेट किया। पीएम मोदी ने दोहराया कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में इसराइल के साथ तमाम देश खड़े हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली ने इसराइल के साथ खड़े होने का आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। अमेरिका ने तो बाकायदा हथियारों की खेप भेज दी है। हालांकि इसराइल अपने दम पर गाजा पट्टी में जो तबाही मचा रहा है वो थर्राने वाली है। चंद रोज के अंदर कैसे गाजा पट्टी का नक्शा बदल गया, वो इन तस्वीरों में परिलक्षित हो रही है। ये तस्वीर अल सौसी मस्जिद की है। ये मस्जिद शती रिफ्यूजी कैंप में थी, जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। शती रिफ्यूजी कैंप में ही एक और मस्जिद थी, अल गर्बी। इस पर भी इसराइल ने मिसाइल से हमला किया। इसराइली मार का बारूदी चोट से कैसे ये मस्जिद तबाह हो गई, वो देखिए जरा। यासीन मस्जिद वो तीसरी मस्जिद है जिसे इसराइल ने निशाना बनाया। इसराइली सेना का आरोप है कि हमास मस्जिद और रिहायशी इलाकों से ही ऑपरेट करता है। एक तरफ आसमानी प्रहार जारी है, दूसरी ओर इसराइल की सेना जमीन के रास्ते आगे बढ़ रही है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने उन जगहों पर फिर से कब्जा कर लिया जहां पर हमास के आतंकी काबिज हो गए थे। स्थिति भयावह। यूं तो इसराइल की सेना ने चौतरफा हमला किया है, मगर सबसे ज्यादा नुकसान अशा रिफ्यूजी कैंप में हुआ। जबालिया कैंप में भी कोहराम मचाया। हर जगह आतंकियों के साथ साथ फिलिस्तीन की आम आवाम भी त्राहिमाम कर रही है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। पूरे 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी छोड़कर भाग चुके हैं। जो बचे हैं वो हर रोज अपनों को खो रहे हैं। इसराइल ने भी कहा है कि आतंकियों के खिलाफ उसका ये ऑपरेशन साफ सुथरा नहीं रहेगा। संकेत साफ है, और वो ये कि दहशतगर्दी के साथ साथ आम लोग भी कोलैटरल डैमेज का शिकार हों, ठीक उसी तरह जिस तरह हमास आतंकियों के हमले में आम इसराइली बेमौत मारे गए थे।